नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमने अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख ली थी। अब यौगिक की बात करेंगे कि यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार होती है। अणु में तो हमने देख लिया था कि जैसे H2 है, H2 की हमने बना ली थी, O2 की भी बना ली थी, N2 की और देख लीजिए दोस्तों। N2 हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक देखेंगे। तो परमाणु क्रमांक देखेंगे तो N का परमाणु क्रमांक आप जानते होंगे, N का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 7। पहले कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 5 होंगे, तो लास्ट कक्षा होती है उसे बाह्य कोष बोलते हैं। बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हम दर्शाएंगे नाइट्रोजन में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम संरचना बना लेते हैं इसकी। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना दोस्तों, 2 8 बनाने के लिए, 8 बना रहे हैं लास्ट कक्षा में, तो 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। इसका मतलब 3 बॉन्ड आएंगे इसके बीच में, 1 2 और 3, ये 3 बॉन्डों के अनुसार ये जुड़ जाएगी। फिर दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर एन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब देखिए इसके अंदर किस प्रकार बनाते हैं। एन ले लिया हमने, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो इसको पहली लाइन के लिए, दूसरी बंद के लिए ये, तीसरे बंद के लिए इलेक्ट्रॉन 3 दे दिए, ठीक है। अब इस के इलेक्ट्रॉन रह गए 2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दो, सॉरी नीचे दर्शा दो, कोई बात नहीं, सामने भी दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ दर्शा दिया हमने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इधर इसके, 1 2 और 3, क्योंकि पहली लाइन के लिए, पहले बॉन्ड के लिए दे दिया, फिर दूसरे बॉन्ड के लिए दे दिया, फिर तीसरे बॉन्ड के लिए दे दिया। इसके 2 और बचे, यहाँ दर्शा दो, ये बढ़ गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, नाइट्रोजन की। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों इस प्रकार करने से। किताब में आपने देखी होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु ऐसे गोल टाइप गोले करके बहुत ही अलग तरीके से दिखा रखे हैं, जिससे कि विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं यौगिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक जो CO2 है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हर बार पूछ ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख लीजिए। अब इसमें देखिए 2 तत्व हैं, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम इन दोनों के क्या देखेंगे दोस्तों, परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 6 पर है। ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों, 8 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किस प्रकार होते हैं, सी किस प्रकार लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा 2 और 4, और ऑक्सीजन किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, 2 और 6, ठीक है। तो इसके बाद ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं कार्बन के, और ऑक्सीजन के हमें 6 इलेक्ट्रॉन में से दर्शा रहे हैं, ठीक है। और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलो हम बात करते हैं तो दोस्तों CO2 की। अब आप कहेंगे दोस्तों कि CO2 में सबसे पहले कौन सी ले, ऑक्सीजन ले या कार्बन ले। तो आप याद रखना, जो 2 यौगिक हो ना, जो यौगिक हो उसके अंदर जैसे 2 या 2 से अधिक के तत्व हो, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा जिसकी संयोजकता है उसको लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसकी है ना, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी है, कार्बन की है, तो कार्बन ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों, सबसे ज़्यादा संयोजकता है कार्बन की, कार्बन ले लेते हैं, ये कार्बन ले लिया, इसकी संयोजकता पूरी कर रहे हैं हम, कार्बन की 4 होती है। ये ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, ये ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। अब कई विद्यार्थी होते हैं जो सबसे पहले ऑक्सीजन लिखते हैं या कार्बन लिखूँ, तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। आप सबसे पहले जिसकी ज़्यादा संयोजकता है उसको लिखे। एक बार फिर बता दूँ आपको, जैसे CO2 का बनाना है तो कार्बन लिख लिया, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बढ़ेगी। अब आपको इलेक्ट्रॉन दर्शाने, अब इस लाइन के लिए अब सी लिख लीजिए दोस्तों, कार्बन लिख लीजिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं इधर, ये लो इसके, इधर इधर ये लो। अब इसके और दे देते हैं ऑक्सीजन के, 1 2, इधर ऑक्सीजन के देते हैं 1 और 2। अब ऑक्सीजन के पूरे दर्शाने हमें 6, इसकी 4 दर्शा दी हमने कार्बन की, तो 4 दर्शा दिए। जब ऑक्सीजन की 6 दर्शाने, बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, चलो दर्शा देते हैं, 1 2 3 4, ये 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, इसके देखिए 1 2 3 4 5 और
ये हो गई इलेक्ट्रॉन सर। चलो किसकी, CO2 की। इस प्रकार बढ़ती है दोस्तों CO2 की। चलो एक और शब्द लेते हैं, एक और शब्द लेते हैं, एक और शब्द लेते हैं दोस्तों, H2O की, H2O की शब्द लेते हैं। तो देखिए इसमें दो तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी है दोस्तों, ऑक्सीजन की है ना, दो है, हाइड्रोजन की तो एक ही है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को लिख लिए, लिख लिया। अब हमने इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये किसकी बन गई, H2O की संरचना। चलो हम इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं, इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन ले लिया, इसका एक बॉन्ड, इसका इधर एक बॉन्ड। तो अब ऑक्सीजन कितने रह गए दोस्तों, छः है ऑक्सीजन के, तो दो दो चार छः हो गए पूरे। अब हाइड्रोजन है इधर, हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये लो एक है भाई, एक उसमें तो एक दर्शा दिया, और ये भाई एक उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो एक दर्शा दिया, ये बढ़ गई H2 की संरचना। इस प्रकार बनाई जाती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कमेंट करके बताएं कहाँ आपकी समझ में नहीं आई है। धन्यवाद दोस्तों।